नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, अगर आप में एक टीचर बनने का जज्बा है, जुनून है और आप जानना चाहते हैं कि किस किस तरीके से हम टीचर बन सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, तो आज और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उस सारी बातों को हम आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, आप मेरे पीछे एक चार्ट बना हुआ देख रहे हैं जिसमें कि सारे टीचिंग करियर मैंने लिखे हुए हैं। अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप टीचर किस किस लेवल पर कितने तरीक़ों से बन सकते हो, आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों आपको। तब तक आप वीडियो को लाइक करो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। देखो भाई, सबसे पहला लेवल होता है बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट होती है नर्सरी से, यानी नर्सरी क्लास जब होती है उन वाले टीचर्स को हम NTT कहते हैं। उसका मतलब भी बताएंगे, चिंता ना करिए आप लोग। उसके बाद में आप पढ़ा सकते हैं किस लेवल पे, फर्स्ट से लेके फिफ्थ क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिनको कि हम प्राइमरी टीचर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो टीचिंग लेवल आता है वो आता है सिक्स से लेके एट्थ तक का, जिसको हम TGT कहते हैं, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। समझाएंगे डिटेल में, बाद में देंगे, एक बार आप लेवल समझिए। उसके बाद में आता है साथियों PGT, यानी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर, ठीक है। फिर आपका कॉलेज लेवल पर आप पढ़ा सकते हैं BA वाले बच्चों को, BSc वाले बच्चों को, BCom वालों को। उसके बाद कॉलेज से आगे का लेवल आ जाएगा दोस्तों यूनिवर्सिटी लेवल, वो फाइनल लेवल है भाई। ये समझ में आ गया, नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटी तक के टीचर कैसे बन सकते हैं, सारा इसी में मिल जाएगा हमें। अब देखो भी साथियों क्या क्या है हमारे पास। अब जो इसमें पढ़ाने का मैंने आपको बता दिया कि NTT वाले सिर्फ नर्सरी क्लास तक पढ़ा सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले NTT का मतलब समझो, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ये बेसिकली डिप्लोमा होता है साथियों, ठीक है। इस डिप्लोमे के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों, कम से कम आपके पास में 10th क्लास पास होनी चाहिए आपकी, या 12th हो चाहे ग्रेजुएशन हो, आगे तो चाहे जितनी मर्जी आपकी क्वालिफिकेशन हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है NTT का प्रोग्राम, समझ में आ गया दोस्तों ये यहाँ तक। दूसरा जो लेवल है दोस्तों वो होता है हमारा प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल के जो टीचर होते हैं, यानी क्लास फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के जो होते हैं वहाँ पे, उसके लिए, ठीक है। तो अच्छा, अब स्कूलों के भी अगर आप बात करेंगे तो स्कूलों में भी ये होता है कि प्राइमरी जो स्कूल होते हैं आपके फर्स्ट से लेके फिफ्थ वाले, उनको प्राइमरी स्कूल कहा जाता है, और सिक्स से लेके एट्थ वाले जो स्कूल होते हैं उनको मिडिल स्कूल कहा जाता है, इसको सेकेंडरी स्कूल कहा जाता है। नाइन्थ से लेके अगर सिर्फ नाइन एट्थ तक हो तो वो हो गया आपका मिडिल स्कूल, और अगर वो 10th तक हो तो वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी स्कूल, और अगर वो स्कूल 12th तक हो तो वो होता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है भाई, क्लियर, ओके। बाकी कॉलेज लेवल है उस पर नहीं जाएंगी। अब प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको दोस्तों डिप्लोमा करना पड़ेगा कम से कम 2 साल का, और भी होते हैं आजकल तो 4 साल वाले और वो भी आ गए हैं। अब देखिए क्या है कि आपको कोर्स करना पड़ेगा, डिप्लोमा करना पड़ेगा, डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके नाम है कोर्सेज के मैं बता रहा हूँ, यानी DED या DLED या JBT या अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग नाम होते हैं साथियों, ये आपके स्टेट वाइज वेरी कर सकते हैं। मैंने कुछ एक जो कॉमन थे वो आपको बता दिए, यानी ये 2 ईयर का डिप्लोमा होता है, आपको समझ आ गया होगा। फिर देखिए TGT की जब बात आती है, TGT टीचर कैसे बना जाता है, इसमें मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट प्रोसेस का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो भी बताऊंगा, लेकिन आप एक बार समझ लीजिए भी आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। 6th से लेके 8th तक का जो है उसके लिए दोस्तों आपको क्या चाहिए, देखिए TGT है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ग्रेजुएट का मतलब होता है आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, BA LLB किया है, या जो भी कोर्स जो बी से स्टार्ट होने वाले हैं, अभी बहुत सारे हैं, BCA है, ठीक है, ऐसे आप समझ गए होंगे, BBA हैं, वो कोर्सेज जो होते हैं आपके वो आते हैं TGT ग्रेजुएशन में। तो यानी आपको कम से कम ये प्लस में, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक कोर्स और होना चाहिए, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा BA, BSc और BCom से, आपके पास में होना चाहिए BED होना चाहिए। BED का मतलब होता है बैचलर इन एजुकेशन, ये आपका 2 साल का कोर्सेज हो गया है, अब पहले 1 साल का हुआ करता था,
यानी बेचलर आपके पास में कम से कम 2 डिग्री होनी चाहिए तब आप इसके लिए एलिजिबल होते हो पीजीटी के लिए। अब पीजीटी के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, जैसे यहाँ बीए बीएससी बीकॉम था, इसी तरीके से अगर आप पीजीटी में जाना चाहते हैं तो आपके पास दोस्तों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमए एमएससी एमकॉम, इस तरीके से मास्टर डिग्री होनी चाहिए भाई, क्लियर हो गया। तब जाके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टीच कर सकते हो पीजीटी लेवल पे, क्लियर हुआ भाई। इसमें भी एमए एमएससी एमकॉम और बीएड चाहिए होता है। आपको यहाँ बता दूं साथियों कि कुछ एक स्टेट्स में बीएड कंपलसरी नहीं होता है पीजीटी के लिए, कुछ एक स्टेट्स में, लेकिन वो स्टेट वाइज वेरी करता है, ज़्यादातर नहीं है, लेकिन कुछ एक स्टेट्स में बीएड का होना ज़रूरी है एमए एमएससी एमकॉम के साथ साथ में, अगर नहीं है तो वो स्टेट वाइज वेरी करता है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है भाई, ये इसीलिए मैंने इस पर स्टार लगा दिया है। अब जब अगर आप कॉलेज लेवल पे पढ़ाना चाहते हो, देखिए कॉलेज लेवल पे क्या है आपका, कॉलेज लेवल पे जब आप पढ़ाना चाहते हो तो किनको पढ़ाओगे आप, बीए बीएससी और बीकॉम वालों को पढ़ाओगे, तो आपके पास में कम से कम एमएससी एमए होना चाहिए। और 2021 की जो नई शिक्षा नीति आई है उसके हिसाब से आपको पीएचडी भी होना पड़ेगा, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। और उसके बाद में फाइनल जो यूनिवर्सिटी लेवल है वहाँ पे हमें टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपके पास में पीएचडी डिग्री होना चाहिए, साथ में ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे शुरुआत से लेके आखिर तक। देखिए जब एनटीटी की बात आती है तो यहाँ पे कोई भी आपको टेस्ट नहीं देना पड़ता है, ठीक है, और इसकी डायरेक्ट भर्तियाँ होती है लगभग। अब देखिए जब क्या होता है कि जब आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए जाएंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे ही आप जाने वाले हैं तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, सुनो इस बात को ध्यान से, जेबीटी डीएड और टीचर बनने के लिए, यहाँ से लेके ये जो 3 लेवल हैं आपके प्राइमरी टीजीटी और पीजीटी, यहाँ पे आपके पास में एक टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए जिसको कि हम टेट बोलते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या बोलते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, टीचर का एलिजिबल होने का टेस्ट होता है। क्या होता है अब आप इसको सुनिए कि जैसे आपने सुना होगा टेट है जैसे, तो सेंटर लेवल पे जो केंद्र सरकार की भर्तियां होती है वहां पे आपको चाहिए होता है दोस्तों, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे विद्यालय हैं, शायद जवाहर नवोदय विद्यालय जो हैं वहाँ पे आपका क्वालिफाई होना चाहिए दोस्तों सी टेट का एग्ज़ाम। सी टेट का होता है मतलब आपका दोस्तों सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अगर आप कोई गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं टीचर की, तो वहाँ पे आपके पास में टेस्ट के नाम बदल जाएंगे, होगा यही टेट है, जो टेट बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। इनका हर एक स्टेट का अलग अलग टेट एग्ज़ाम होता है, देखिए जैसे कि हरियाणा का हो गया एच टेट, हरियाणा एलिजिबल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राजस्थान का क्या हो गया दोस्तों आर ई ई टी यानी रीट बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में, ये भी वही है, ठीक है। और यहाँ पे और पंजाब की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ होता है पी टेट, और यूपी की बात करेंगे तो यूपी टेट, बिहार की बात करेंगे तो बिहार का टेट, ठीक है, झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड टेट, भाई ये हर एक जगह टेट का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आने लग गया है टीचर की जॉब के लिए, जब भी जॉब निकलेगी तो आपके पास में डिग्री होने के साथ साथ ये टेट एग्ज़ाम्स भी क्लियर होने चाहिए। सी टेट होगा दोस्तों सेंटर वाले के लिए, और ये जो स्टेट वाइज है ये आप समझ गए होंगे, ये अलग अलग स्टेट के नाम के वाइज उन्होंने टेस्ट दे रखे हैं। हाँ आपको बता दूँ सी टेट का स्टेट में कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जॉब निकलेगी वहाँ के लिए आपको सी टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, ठीक है भाई। इसके साथ साथ में सुनूँ, जब हमारी बात आएगी कॉलेज लेवल की, तो कॉलेज लेवल में क्या है आपको एक और टेस्ट पास करना पड़ता है, वो होता है दोस्तों एनईटी, नेट, नेट जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस टेस्ट से क्या होता है कि आपका एक पेपर ही होता है जैसे ये टेट होते हैं, और यहाँ पे एक मज़े की बात ये है कि जो कॉलेज लेवल और जो यूनिवर्सिटी लेवल है यहाँ पे बीएड का होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे बीएड करना ज़रूरी नहीं है आपका भाई, ठीक है। तो आपको एनईटी नेट यानी
नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या JRF, इसी का सुपर फॉर्म होता है दोस्तों, इसको बोला जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। ये इसमें क्या है, आपको PhD करने के साथ साथ में स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि आप अपना जो रिसर्च वर्क है वो अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। और ये सारी कैटेगरी वालों के लिए होता है, ये कोई एक खास कैटेगरी वाइज नहीं है, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए भी अप्लीकेबल होता है और सारी कैटेगरी के लिए भी। क्लियर हुआ भाई? अब जब यूनिवर्सिटी लेवल पे हम जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि PhD, नेट, JRF इनमें इनका होना भी ज़रूरी है, इनके बगैर आपका आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो भाई, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? ये एग्ज़ाम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने आपको समझा दिया। तो अब तक हमने सीखा कि क्वालिफिकेशन के साथ साथ में आपको एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी देना पड़ेगा। जैसे हमारे क्या क्या थे, प्राइमरी, TGT और PGT के लिए तो TET हो गया, और उधर कॉलेज लेवल पे जाने के लिए आपके लिए NET हो गया या JRF क्लियर होना ज़रूरी है। चीज़ होते हैं इनको, आजकल मैं आपको बता दूं कि इनको कहा जाने लग गया है लेक्चरर्स, ठीक है, लेक्चरर्स, ठीक है। पहले ये वर्ड जो था लेक्चरर्स, ये कॉलेज वालों के लिए हुआ करता था। सॉरी मार्कर नहीं लिख रहा है, चलो कोई बात ना, आप समझ गए, इनका नाम था लेक्चरर्स, ठीक है। और अब जो इनका जो यहाँ से कॉलेज लेवल वाले हैं, इनका नाम होता है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या नाम होता है? असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लगते हैं साथियों, ध्यान रखना। और जैसे ही हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे तो असिस्टेंट से, असिस्टेंट के बाद आप एसोसिएट बनते हैं, एसोसिएट के बाद आप प्रोफेसर कहलाते हैं। इसके लिए थोड़ा समय लगता है, प्रोफेसर डायरेक्ट नहीं बनते हैं, कुछ एक समय एसोसिएट आपका प्रोफेसर के तौर पे बिताने के बाद आपको जो है प्रोफेसर का खिताब दिया जाता है। तो ये था आपका एक नर्सरी टीचर से बनने से लेके प्रोफेसर बनने तक का सफ़र, ठीक है। अब इसके अलावा अलावा जो सेक्टर कहाँ हैं, अब इसमें आप ये एक बात कह सकते हैं कि सर अगर हम प्रिंसिपल बनना चाहें तो, या कोई डिपार्टमेंट के HOD बनना चाहें, या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी BO, या हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बनना चाहें यानी कि DO बनना चाहें, तो वो कैसे बनते हैं? देखो अब आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे स्कूल लेवल का जो है आपका PGT जो होता है, PGT से प्रमोट होके आप सबसे पहले प्रिंसिपल पे जाएंगे, ठीक है, प्रमोशन मिलता जाएगा आपको। इनकी डायरेक्ट प्रिंसिपल की कई बार कई स्टेटों में डायरेक्ट भर्तियाँ होती हैं, लेकिन उसके थोड़े से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हैं, अगर आप पूछेंगे तो आपको ज़रूर बता देंगे। तो प्रिंसिपल, PGT के बाद आप प्रिंसिपल बनेंगे, प्रिंसिपल के बाद में आप BO यानी ब्लॉक एजुकेशन, आपको बता दूं कि आपका जो भी एजुकेशन सिस्टम होता है वो ब्लॉक्स में बटा होता है, फिर ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट में, तो आप पहले ब्लॉक के एजुकेशन ऑफिसर बनेंगे फिर डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर बनेंगे। ये है दोस्तों एजुकेशन ऑफिसर बनने का सफ़र यहाँ तक, ठीक है। क्लियर हुआ भाई? अच्छा, और HOD जो बनना होता है वो इन डिपार्टमेंट में, देखिए यहाँ पे प्रमोशन जब होता है तो HOD बनते हैं आप, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैटर करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी क्वालिफिकेशन पे, और जितना आपका रिजल्ट वगैरह अच्छा रहा है उसी तौर पे यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करके HOD भी बना देती है, आपको चार्ज मिल जाता है और फिर आप परमानेंट HOD भी बन जाते हैं। भाई ये तरीका है वहाँ का बनने का। इससे आगे HOD से अगर आप देखेंगे आगे, तो आपको बहुत सारे चार्जेज या बहुत सारी पोस्ट मिल जाती हैं आपको यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी होती हैं भाई, है ना, बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे डीन ऑफ कॉलेजेस वगैरह बहुत सारी हैं, उन पर हम कभी और बात करेंगे, ठीक है भाई। अब जब बात रहेगी कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में हम जाना चाहेंगे तो हम क्या क्या जॉब कर सकते हैं, तो आपको जॉब के लिए देखिए प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे तो कोई भी आप प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल हो चाहे पब्लिक हो, यानी आप समझ गए, प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं, आप घर पर ट्यूशन दे सकते हैं, आप अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं अगर आपको पढ़ाना आता है तो। इसके अलावा आप कहोगे सर हम तो कोई बड़े कोचिंग हब में जाएंगे, जैसे आप कोटा में चले गए, तो आपको बता दूं कि कोटा वाले जो करवाते हैं हमें तैयारी JEE और NEET की, तो वहाँ पे IITN या NITNs को प्रेफर किया जाता है, एक तो बात ये, या फिर हाईली
क्वालिफाइड बंदा और एक्सपीरियंस्ड बंदे को कौन कहाँ पे जॉब मिल सकती है, कोटा में जॉब मिल सकती है। क्लियर हो गया भाई, ये तरीका है आपका यहाँ तक का। और इसके अलावा आप अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जैसे कि जो बैंकिंग, एसएससी और रेलवे, इनकी तैयारी करवाते हैं, वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी टीचर बनने के बारे में जानकारी। मैंने कोशिश पूरी की है कि कोई भी पॉइंट छूटे ना, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी कोई रह गया तो कोई बुरी बात नहीं है भाई, आप हमें कमेंट कर देंगे, जो भी आपका डाउट रहेगा मैं पॉसिबली आपको जवाब दे दूंगा। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।